नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है मक्कार औरत। एक बार की बात है कि बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। तभी भरे दरबार में एक औरत अपने साथ एक आदमी को लेकर आती है और कहने लगती है कि जापना, इस आदमी ने मेरे सारे गहने छीन लिए हैं। जब बादशाह ने उस आदमी से गहने छीनने की वजह पूछी तो वह आदमी हाथ जोड़ करके बोला, आलमपना, मैं परदेसी आदमी हूँ और दिल्ली देखने के लिए आया था। रास्ते में मुझे ये औरत मिली और आपके दर्शन कराने का वायदा करके मुझे यहाँ ले आई है। मेरे मन में आपको देखने की बहुत लालसा थी, इसलिए मैं इसके साथ चला आया। मैं बिल्कुल सच कहता हूँ, मैंने कोई गहने नहीं छीने हैं। यह सुनकर वह औरत बोली, हुजूर, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मेरे गहने चुरा कर अब ईमानदार बनता है। बादशाह अकबर ने दोनों की बातें सुनी लेकिन कोई हल नहीं निकाल सके। दूसरे दरबार भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी उनकी बातों को सुना लेकिन कोई हल नहीं मिल पाया। आखिर में बादशाह ने बिरबल को इस फैसले का जिम्मा सौंपा। बिरबल पहले ही दोनों की बातें सुन चुके थे। उन्होंने औरत से पूछा, तेरे गहने कितने रुपए के होंगे? औरत ने जवाब दिया, करीब 6,000 रुपये के होंगे। बिरबल ने उस औरत की शक्ल देखी, उन्होंने समझ लिया कि यह इतने रुपयों के गहने कहाँ पहन पाएगी। सचमुच ही बेगुनाह परदेसी को लूटना चाहती है। यह सोचकर बिरबल ने सरकारी खजाने से 6,000 रुपये मंगवाए और चुपके से एक सिपाही को देकर कहा कि उस आदमी को समझा दें कि बिरबल का हुक्म पाते ही रुपये उस औरत को दे दें। सिपाही ने आदमी को अलग ले जाकर बिरबल के कहे अनुसार उसे सब कुछ समझा कर रुपये दे दिए। कुछ देर बाद बिरबल उस आदमी से बोले, तुमने इनके जेवर छीने हैं, औरत कभी झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए या तो तुम इसे जेवर वापस करो या 6,000 रुपये इसको वापस दो, फिर तुम्हें छोड़ा जाएगा, नहीं तो तुम्हें जेल की काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाएगा। उस आदमी ने सभी के सामने उस औरत को 6,000 रुपये दे दिए। औरत रुपये लेकर के बड़ी खुश हुई और अपने घर की ओर चल दी। अभी वह औरत कुछ दूर ही गई होगी कि बिरबल ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और उसको कहा कि जाओ उस औरत से पैसे छीन करके लेकर के आओ और तुम पैसे लेकर के ही वापस लौटना। आदमी ने हुक्म पाते ही रुपए छीनने के लिए उस औरत का पीछा करना शुरू किया। बिरबल ने साथ में अपने 2 गुप्तचर भेज दिए जो राह की घटना देख करके सही सही खबर उस तक पहुंचा सके। उस आदमी ने औरत से रुपए छीनने की बहुत कोशिश की लेकिन वह औरत बहुत चालाक थी, वह किसी तरह से भी रुपया देने को तैयार नहीं थी। वह उस आदमी का हाथ पकड़ करके बोली, चल जहाँ से रुपया मिला है वहीं चल करके दूंगी। उन दोनों के पहुँचने से पहले ही गुप्तचर ने उस औरत और आदमी का सारा हाल बता दिया। यह बात सुनकर बिरबल को और भी पूरा भरोसा हो गया कि औरत कपटी है और धोखेबाज है। थोड़ी देर बाद ही आदमी को लेकर वह औरत दरबार में आ गई और बोली, महाराज, जो रुपये आपने मुझको दिलवाए थे उन रुपयों को यह आदमी मुझसे रास्ते में छीन रहा था, मैंने इसकी एक नहीं चलने दी और आपके सामने ले आई। बिरबल ने यह सुनकर उस औरत से कहा, तुमसे इसने रुपये छीन लिए या नहीं? औरत बोली, नहीं, इसने कोशिश तो बहुत की लेकिन कामयाब नहीं हो सका। बिरबल ने उस औरत को डांट कर कहा, जो आदमी तुमसे रुपये छीनने की ताकत नहीं रखता वह तुम्हारे गहने कैसे छीन सकता है? तू झूठी है, रुपये अभी वापस कर। बिरबल के तर्क के आगे औरत की एक ना चली, उसने अपनी भूल स्वीकार कर ली और सारे रुपए लुटा दिए। बादशाह अकबर बिरबल के सूझबूझ भरे फैसले से बेहद खुश हुए। और प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।